यूएसए ऑस्ट्रेलिया कनाडा अब्रॉड जाने वालों को मैसेज देती है गजालाबाजी। गजालाबाजी ने एक मैसेज देते हुए आज टिकटॉक की एक वीडियो बनाई जिसमें इन्होंने कहा काला और चश्मा और भाईजान के बारे में, और ऐसे ही कुछ कहानी बताई गजालाबाजी ने। आइए देखते हैं आज की गजालाबाजी की गजाला की कहानी, क्या बताते हैं ये गजाला जी कहानी। यूएस, अमेरिका, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट की लाइफ के रिलेटेड ये बताते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर कर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ARTV न्यूज़, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम। थोड़े दिन पहले एक लड़का, किसी ने मेरे को बोला कि कोई हैदराबाद जा रहा है, तो मैंने उनको कॉल लगाया था ना, भाई मेरे को एक छोटा सा पार्सल भेजना है, हैदराबाद जा रहे हैं आप, मम्मी के लिए भेजना है गिफ्ट बोले। तो वो बच्चा बोला कि ठीक है, आप एक नेक्स्ट हफ्ते फ़ोन करो, मैं आपको डेट तारीख बुक करके बोलूँगा। तो फिर मैं अब वो बच्चे को वापस फ़ोन किया, मैं बोला भाई जब जाने वाले थे क्या हुआ? तो बच्चा क्या बोला, नहीं गजालाबाजी, मैं जाना कैंसिल कर दिया। मैं जाना कैंसिल कहीं को कर दिया भाई? तो बोलता है कि हमारी बहन का फ़ोन आया था, और बहन बोले कि आपके भाईजान के वास्ते आईफोन 13 और रेबैन की ऐनक लेके आओ। आईफोन 13 और रेबैन की ऐनक, आराम से $3,000 का खर्चा है, $3,000 से ऊपर ही होगा भाई। इतना जुल, और वो बच्चा बेचारा, मतलब बहन के जब एक बार हमारे भाईजान बोल दिए तो वो लेके जाना ज़रूरी रहता गजालाबाजी, वरना हमारी बहन वो बेचारी परेशान हो जाती है, इतना डर दामाद का। फिर मैं बोला भाई के देखने में कैसे है आपके भाईजान? बोले तो काले भील है, वो सूरत पे रेबैन की ऐनक होना का जैसा, आपको शर्म आना थोड़ी बहुत भाई? बच्चे यहाँ पे इस तरह काम करते हैं, स्टूडेंट बच्चे, पसीने की जगह खून निकलना बाकी रहता, और आप लोग वहाँ से इंडिया से इतने बड़े बड़े फरमाइशां करते। चलो मैं आप लोगों को कल भी एक हिसाब, छोटा सा मोटा मोटा हिसाब पैसों का बताया था कि एक स्टूडेंट बच्चे के अकाउंट से कितने पैसे निकलते हैं हर हफ्ते का हिसाब था वो, उसका घर का किराया, रूम का किराया, उसके खाने पीने के खर्चे, और उसके हर 6 महीने 3 महीने में उसको कॉलेज की सेमेस्टर्स की फ़ीस भरना पड़ता वो बच्चे को। और एक बात याद रखना, स्टूडेंट्स के आवर्स, कमाने के आवर्स सिर्फ और सिर्फ 20 घंटे है, उससे ज़्यादा उसको कोई भी काम नहीं देता 20 घंटे से ज़्यादा। अंडर टेबल वो बेचारा या वहाँ पे भी हाथा मार के भी मुसीबतों में भी काम भी कर लिया ना, हार्डली $1,000 से ऊपर नहीं कमा सकता वो हफ्ते के। उसमें से 5-6 हज़ार, $800 अगर उन्हें साइड में सेमिस्टर की फ़ीस भरने के लिए रख दिया, उन्हें खाएंगा क्या बच्चा? इंडिया को गिफ्टा क्या लेके आएगा वो बेचारा, करेंगे क्या? 20 घंटे काम करता, 3 दिन कॉलेज जाता, और यहाँ पे अटेंडेंस ज़रूरी है, नहीं तो उसकी अटेंडेंस अगर अटेंडेंस पूरी नहीं किया तो कॉलेज में मार्क्स नहीं आते उसके, उसके फेल कर देते, उसको निकाल देते कॉलेज से। कितने बच्चे एयरपोर्ट से वापस गए हैं, एयरपोर्ट से कितने स्टूडेंट बच्चे एयरपोर्ट से वापस गए, उसके वीडियोस में काफ़ी डाला था मैं टिकटॉक पे इससे पहले, बच्चे उनसे एक कॉलेज से निकाले जाते, दूसरा कॉलेज जाते, फिर तीसरा कॉलेज जाते, वहाँ का कोर्स नहीं कर पाते, फिर उसका फीस बन के वहाँ छोड़ देते, फिर दूसरा कोर्स करते, तीसरा कोर्स करते। इतनी मुसीबत से बच्चे यहाँ पे पैसे कमा रहे, और आपको दामाद को आईफोन 13 होना, रेबैन की ऐनक होना, शर्म करो, डुबके मर जाओ चुल्लू भर पानी में। ये दामादा, टू बी ऑनेस्ट, बहनों को चाहिए आवाज उठाएं। शादी हो के 5-6 साल हो गया बोल रहे भाई मेरे को, शादी हो के इतने साल होने के बाद भी इतने बड़े बड़े फरमाइश, जाके काम करो भाई, मेहनत करो। बाहर साला सऊदी में है, अमेरिका में, लंदन में, यूके में, बोलते ही बड़े बड़े फरमाइशा करना शुरू कर दे। आईफोन 13 आ रहे इंडिया को, जा रहा बच्चा बोले तो चलो फरमाइशों के लिस्टा शुरू, छोटे भाई को फोन होना, दामाद को फोन होना, उनको एक अम्माइच है जो बोलते मेरे को कुछ भी नहीं होना बेटा तू कब आ रहा। अब वो बेचारा वो अम्मा की सूरत देख के टिकट बुक करा के जाना सोचता उन्हें उतना ही, उसको अम्मा के लिए ही जाता वो इंडिया, हैदराबाद को, उसके उसको कोई दूसरी
और कोई भी अटैचमेंट नहीं रखे रखे ही नहीं तुम लोग, खाली गिफ्टा गिफ्टा। स्टूडेंट पे आया बच्चा, कहीं के गिफ्टा मंगाते, पढ़ने दो उसको बेचारे को, जमने दो, थोड़ी मेहनत कर रहा वो बेचारा, डिप्रेशन में चले जाता फिर वो। और तुम लोग ये दामादों को बाइकॉट करो, हैदराबाद में जो है अपने अपने, अगर दामादों करने से बड़े बड़े फरमाइशें अगर आए ना, मैं अपने भाइयों को बोल रहा हूँ स्ट्रेट अवे वहाँ।